नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फेरबदल हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से अचानक देर शाम हटा दिया। उनकी जगह तेलंगाना के राज्यपाल सुंदरा राजन को पुडुचेरी के LG की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इधर राहुल गांधी आज पुडुचेरी दौरे पर जा रहे हैं। उनके दौरे से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कल देर शाम एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी सरकार अल्पमत में आ गई। तो बड़ी खबर, किरण बेदी जो कि राज्यपाल थी पुडुचेरी को, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। हालांकि पहले भी इस तरह की कुछ अटकलें लगती रही थी कि पुडुचेरी को जो स्थानीय वहां के लोग हैं उनका कहना था कि किरण बेदी को इस पद से हटाया जाए क्योंकि वो बाहरी हैं। इस तरह की भी कुछ चर्चा सामने आई थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर कि देर शाम राजनाथ कोविंद ने खुद उन्हें पद से हटा दिया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के चलते पुडुचेरी में सियासी संकट गरमाया हुआ है। इन सब के बीच किरण बेदी को उप राज्यपाल पद से हटा दिया गया है। राष्ट्रपति ने किरण बेदी को तुरंत प्रभाव से हटाते हुए तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। किरण बेदी को LG के पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। हाथों में पार्टी के झंडे लेकर सड़क पर उतर गए, खुशी से झूमने लगे। किरण बेदी के खिलाफ CM नारायण सामी खुद शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास गए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि किरण बेदी पर इतना बड़ा एक्शन हो सकता है। The people of Puducherry got victory by removal of Dr. Kiran Bedi because she was stopping welfare schemes, she was ignoring the elected government, she was interfering in the day-to-day administration, she was running a parallel government and she was also giving direction directly to the officers, which is unheard of in the history of any country. The lieutenant governor and the governors are acting against the constitution and the rule of law. राष्ट्रपति भवन से विज्ञप्ति जारी होने से लगभग 4 से 5 घंटे पहले वो बतौर LG काम कर रही थी। किरण बेदी ने इससे जुड़ा एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। किरण बेदी ने लिखा है कि पुडुचेरी में कोरोना का टीकाकरण इतना कम क्यों है, इस बात की आज समीक्षा की। किरण बेदी को ऐसे समय पर हटाया गया है जब पुडुचेरी में एक और विधायक के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद राज्य सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। इस मौके का लाभ उठाते हुए विपक्ष ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया है। हालांकि नारायण सामी ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए बहुमत होने का दावा किया। Our government has got the majority and we will do whatever the constitution says when the issue comes. दरअसल कामराज सीट से कांग्रेस विधायक A. जॉन कुमार ने कल कांग्रेस सरकार से असंतोष का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कांग्रेस विधायक मल्लदी कृष्णा राव, नमीचीवम और थिपी नादान अपना इस्तीफा दे चुके हैं। नमीचीवम और ई थिपिनदान BJP का दामन थाम चुके हैं और माना जा रहा है कि A. जॉन कुमार भी जल्द ही BJP में शामिल हो सकते हैं। पुडुचेरी की 33 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे और एक को पार्टी से निकालने के बाद अब संख्या 28 रह गई है और नारायण सामी सरकार अल्पमत में आ गई है। ऐसे में अब पक्ष और विपक्ष दोनों के पास 14-14 विधायक हो गए हैं। कांग्रेस के 10, DMK के 3 और एक निर्दलीय विधायक के साथ सरकार अल्पमत में है। वहीं विपक्ष में NR कांग्रेस के साथ, AIADMK के 4 और BJP के 3 मनोनीत सदस्य हैं। केंद्र शासित राज्य में बने इस सियासी संकट के बीच आज राहुल गांधी पुडुचेरी में हैं। राहुल पुडुचेरी के सोलाई नगर में मछुआरों को संबोधित करेंगे। इसके बाद फिर वो यहाँ के भारतीदासन गवर्नमेंट महिला कॉलेज में छात्राओं के साथ संवाद करेंगे और फिर एक रैली कर पार्टी के लिए चुनावी समीकरण साधने की कवायद करेंगे। देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं
उसमें पुडुचेरी इकलौता राज्य है जहां पर कांग्रेस सरकार में है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले विधायकों का मुंह भंग होना राहुल के लिए बड़ी चुनौती है। पुडुचेरी से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। देर शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों के आंदोलन को लेकर यूपी, हरियाणा और राजस्थान के पार्टी के किसान नेताओं के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि बैठक में पार्टी आला कमान ने सभी नेताओं से कहा है कि आप जनता के बीच जाकर जो कृषि कानूनों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको दूर करने की कोशिश करें। इस बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने नए कृषि कानूनों पर पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया, साथ ही जाट किसानों में उभरे असंतोष को लेकर भी चर्चा की। बीजेपी मुख्यालय पर हुई इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि लगातार किसान आंदोलन जो है वो जारी है और इस बीच ये बड़ी बैठक हुई है जिसमें की कोशिश ये की गई है कि अब जो बीजेपी में किसान नेता हैं, बड़े किसान नेता, वो जनता के बीच जाएंगे और कृषि कानून को लेकर जो भ्रम है उसे दूर किया जाए। मुद्दा है वो किस मुद्दे, क्या किसान मुद्दा था ये कोई? नहीं, मुद्दे तो जब कई लोग बैठेंगे सब मुद्दों पर बात होंगी, क्या दिक्कत है? अहम मुद्दे किसानों पे, क्या किसानों को लेकर जो बॉर्डर पे अच्छा, तमाम बैठे उसको लेकर क्या अच्छा, चल रहा है सर? तीनों किसान कानूनों पर क्या हुई? क्या किसान ये टूटेंगे? अरे नहीं भाई, किसान तोड़ना क्यों है किसी को? ऐसी बातें मत कहो यार। हटेंगे नहीं हटेंगे बॉर्डर से? सरकार पहले भी बातचीत कर रही थी, बाद में भी बातचीत होंगी, सब चीजें निपटेंगे, आपसी बातचीत से निपटेंगे। वो बात मुझे नहीं पता, कृषि मंत्री जी बताएंगे कमेटी में। लखनऊ को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पीएफआई के दो आतंकियों को पकड़ा है। इनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। ये आतंकी कहां से लखनऊ आए थे और इन आतंकियों का टारगेट क्या था, ये हम आपको बताते हैं। आतंकियों के निशाने पर हिंदू संगठन, लखनऊ में बहुत बड़ी साजिश नाकाम। ये पीएफआई से जुड़े वो संदिग्ध आतंकी हैं जिनके खूनी मंसूबों को यूपी एसटीएफ ने फेल कर दिया। अगर एसटीएफ अलर्ट ना होती तो ये आतंकी लखनऊ को दहलाने के लिए अपने बारूद और आतंकी हमले के प्लान के साथ तैयार थे। इनके पास से 16 एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक पिस्टल, 7 कारतूस, 2 पेन ड्राइव, 12 रेलवे टिकट, पैन कार्ड, एटीएम, डीएल और आधार कार्ड बरामद हुए हैं। हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया है, इनको अब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। प्रारंभिक पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वर्ग विशेष के नवयुवकों को शारीरिक, जो कि शारीरिक रूप से मजबूत हो, का ब्रेन वॉश करके उनको विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण देकर देश के किसी भी कोने में घटना विशेष को अंजाम देने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। जिन दो लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है उनका सीधा संबंध केरल के कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से है। इनमें अंसद बदरुद्दीन पीएफआई का कमांडर है और केरल के पथनमथिट्टा का रहने वाला है। दूसरे संदिग्ध आतंकी का नाम फिरोज खान है जो केरल के ही कालीकट का रहने वाला है। ये आतंकी बसंत पंचमी पर धमाका करने की साजिश रच रहे थे लेकिन एसटीएफ ने इन्हें लखनऊ के गुडम्बा में धर दबोचा। इनकी प्लानिंग बसंत पंचमी के आसपास हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में कई जगह उच्च श्रेणी के विस्फोटक से धमाका कर कई वरिष्ठ अधिकारियों एवं जन समुदाय की हत्या कर आम जनता में आतंक एवं दहशत फैलाकर सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले हैं। यूपी में पीएफआई का नेटवर्क बहुत एक्टिव हो गया है। पुलिस के दावे के मुताबिक पीएफआई से जुड़े लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर यूपी के कई हिंदू संगठनों को निशाना बनाने की ताक में है। इसके लिए वो दूसरे सदस्य भी जोड़ रहे हैं और हथियारों की ट्रेनिंग देकर इन्हें तैयार भी कर रहे हैं। पीएफआई के इस नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यही वजह है कि एक साल में पीएफआई से जुड़े 123 लोग अरेस्ट हुए हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।